तो ये सेट डी है बच्चों। अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल सेट में क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं। तो आज मैं बुक पोर्शन और ग्रामर पोर्शन दोनों का सोल्यूशन आप लोग के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले तो शुरू करते हैं जिसमें फर्स्ट सिटिंग में जो पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन, उसके मैं बुक पोर्शन और ग्रामर पोर्शन का सोल्यूशन एग्जामिनेशन के बाद आप लोग के लिए लेके आया हूँ प्रथम पाली के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध भाग कौन है? राम ने पुस्तक खरीदी। नागरी लिपि के लेखक है गुनाकर मूले। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। परिमाण वाचक संज्ञा है थोड़ा सा। फिर आइए परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हो। ऑप्शन नंबर सी मछली को लेकर संतु भाग गया। फिर हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। जाकर शाही रूस, जाकर शाही जो थी वो रूस में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोहा कोश रचना है सरहपाद की। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी। राजगृह में तत्पुरुष समास। मैं जो है जो एक सर्वनाम है, बाकी और कोई भी सर्वनाम नहीं है। गुरु नानक निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। फिर आइए रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। अमृत का पर्यायवाची सुधा। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। सतकोड़ी होता उड़िया के कथाकार हैं। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। कल मैंने एक सेट दिया था उसमें कमर कसना भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी लौटे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अविये सकुची लजात स्वदेशी कविता से उद्गत हैं। रस खान जो है सवैया छंद में सिद्ध थे। अमराई कुआं रास्ते में, एक कहानी उसमें अमराई कुआं की चर्चा हुई है, वो रास्ते में था। फिर पप्पाती की उम्र थी 12 वर्ष। सीता रुआसी हो गई बहुओं की कलह के कारण। फिर बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया। बिरजू महाराज जो हैं जो कथक शैली के नर्तक थे। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। विल्लनव एक छोटा सा गांव है। नेक्स्ट आइए हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दुष्चक्र से दुष्चक्र में अस्तस्ट्रा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया मैक्स मूलर ने। फिर मगम्मा को विवाद था बहू से। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मी का घर देवी नदी के नीचे था, नीचे देवी बांध के नीचे था, ठीक है देवी। फिर आइए पापाती बेहोश हो गई तेज बुखार के कारण। शुद्ध शब्द है प्रकृति। फिर परिश्रम में परी उपसर्ग है, जो आगे लगता है वो हो गया उपसर्ग। हाथ खाली होना का मतलब पैसा ना होना, ठीक है। कोई अमीर भी हो सकता है जिसका हाथ खाली होना, जैसे वो अमीर है लेकिन उसके हाथ खाली है, मतलब वो अमीर है लेकिन अभी उसके पास पैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अवकाश में है, जो अवकाश अव, ठीक है 39 का बी। नेक्स्ट आइए हिरोशिमा जापान में है। शिक्षा और संस्कृति रचना है महात्मा गांधी की। भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ददीची की हड्डी से बना हुआ था इंद्र का वज्र। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। फिर आइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बीस के दांत लेखक के कविता रचनाकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। पराजय में फिर उपसर्ग है परा। फिर आइए किसने कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते? कालिदास ने कहा था। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो संग्रह है उसमें इसकी बात की गई है, कालिदास ने कहा था, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। अविन्यो जो है जो रोन नदी के ऊपर बस रोन नदी के पर स्थित हैं। मछली की कहानी मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लोगों पर हैं। बिरजू महाराज नर्तक थे। भाववाचक संज्ञा है सर्दी, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा का तात्पर्य है हृदय की शिक्षा से, ठीक है। लेकिन इसमें व्यावहारिक शिक्षा भी एक इसमें पॉइंट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए आ सकते हैं 55 के लिए। मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक है धर्मवीर वारती। कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। सेनापति में तत्पुरुष समान है। मित्र से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है मित्रता। जनतंत्र का जन्म कविता के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको कल के संस्कृत क्वेश्चन के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, देखिए मैंने हिंदी में दिया और इससे लगभग 5 क्वेश्चन लड़ चुके हैं, तो अगर आपको संस्कृत के भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय धन्यवाद।